नमस्कार दोस्तों, लखन मालिक चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत। आज हम लेकर आए हैं आपको बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है आज का, पीठासीन अधिकारी के लिए रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा किस प्रकार से संधारण करना होता है। दोस्तों हमारे सभी जो भी हमारे पीठासीन अधिकारी जी हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव करवाने के लिए जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बहुत सारा अनुभव भी है, इसमें किसी प्रकार के डाउट और संदेह नहीं है दोस्तों। फिर भी अपने आप को अपडेट हमेशा रखना चाहिए, बस इसीलिए हम लेकर आए हैं आज एक छोटा सा वीडियो, यानी रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा या संधारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। एक एक पॉइंट के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये देखते हैं दोस्तों, पेपर के माध्यम से यानी कि जो प्रपत्र हमें मिलेगा उसी प्रपत्र के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो यहाँ पर बिंदु हैं उसी प्रकार से आपको प्रपत्र में देखने को मिलेगा। देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों देखिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आपको सबसे पहले लिखना होगा निर्वाचन क्षेत्र से, यानी कि यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको लिखना होगा। जैसे कि विधानसभा का चुनाव है और या लोकसभा का चुनाव है, दोनों में से अपने का जो भी चुनाव होगा उसी का आपको यहाँ पर लिखना होगा। क्योंकि लेकिन अब आने वाला तो हमारा लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा आम चुनाव 2019, ये हमें अभी करवाना है बहुत ही कम समय के बाद में। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर कौन सा आपका निर्वाचन क्षेत्र होगा। ये लिखने के बाद में आगे चलते हैं। आगे आपको लिखना है इसमें मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम, यहाँ पर केंद्र क्रमांक आपका कितना रहेगा, यहाँ पर आपको क्रमांक लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पर उसका नाम भी लिखना होगा कि जो भी नाम होगा वो नाम आप लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में मतदान केंद्र में प्रयुक्त मतदान मशीन के पहचान क्रमांक, ये चीज़ आपको लिखनी होगी। दोस्तों देखिए इसके अंदर आपको तीन चीज़ जो तीन आपको मिलेंगी, जैसे एक तो कंट्रोल यूनिट उसका नंबर आपको लिखना है, वैलिड यूनिट का नंबर आपको लिखना है, वीवीपैट का नंबर आपको लिखना है। तीनों की आपको यहाँ पर क्रमांक लिखने हैं, बिल्कुल सावधानी से आपको क्रमांक लिखने होंगे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नंबर एक जो आपके बना हुआ है यहाँ पर, नंबर एक पॉइंट पर आपको यहाँ लिखना है। देखिए मतदान केंद्र पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी जो मतदान केंद्र आपको आवंटित किया गया है वहाँ पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या कितनी है, यानी निर्वाचक कितने हैं वहाँ पर टोटल, उन निर्वाचकों की कुल संख्या आपको वहाँ पर लिखनी है दोस्तों। इसके बाद में अगला है आपका सेकंड नंबर पर मतदाता रजिस्टर में दर्ज हुए मतदाताओं की संख्या, यानी कि जो मतदाता रजिस्टर है हमारे पास उसमें कुल मतदाताओं की संख्या कितनी दर्ज हुई है। जैसे मान लो 400, मान लो 90 है, 500 है, या 600 है, या 900 है, जो भी है आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में है नियम 49 ओ के अंतर्गत मत रिकॉर्ड किए नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या, यानी कितने लोगों ने मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय किया था, यानी मना किया था कि मत रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे, ऐसे कितने लोग थे, तो यहाँ पर संख्या लिखनी है। आगे है नियम 49 एम के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात ना किए गए मतदाताओं की संख्या कितनी है, यानी कि 49 एम ए के अधीन मतदान करने के लिए जो अनुज्ञात ना किए गए, ठीक है ना, ऐसे लोग कितने थे वो संख्या यहाँ पर आपको बतानी है। उसके बाद में है नियम 49 एम ए के डी के अंतर्गत टेस्ट वोट को घटाया जाए, हाँ जो भी टेस्ट वोट यहाँ पर है, यानी टेस्ट वोट कितने हैं वो टेस्ट वोट यहाँ से घटेगा दोस्तों। बस ये इस बात का अपने को बहुत ध्यान रखना है, जो टेस्ट वोट है आपका, यानी मतदाता आरोप लगाता है कि जिसको वोट दिया गया था उसका वोट ये नहीं जा रहा है, तो प्रदर्शन दूसरा हो रहा है कोई भी, तो उसके लिए टेस्ट वोट डाला जाता है कि पर्ची किसी दूसरे की दिख रही है, वोट हम किसी दूसरे को डाल रहे हैं, तो उस स्थिति में टेस्ट वोट होता है। तो कहते हैं कि टेस्ट वोट को घटाया जाए, बस इसका विशेष ध्यान रखना होगा अपने को, घटाए जाने वाले कुल टेस्ट वोटों की संख्या कितनी है, यानी कुल कितने टेस्ट वोट अपन घटा रहे हैं उसकी संख्या आपको लिखनी होगी यहाँ पर। तो कुल संख्या कितनी है यहाँ पर, और प्रारूप 17 के अनुसार मतदाता का क्रमांक क्या है जो टेस्ट वोट डालने वाला मतदाता है, उसके आपको यहाँ पर रिकॉर्ड देना है। उम्मीदवार जिसके लिए टेस्ट वोट का उपयोग किया गया है, यानी उम्मीदवार का नाम बताना है आपको, यहाँ क्रम संख्या बतानी है, उम्मीदवार की क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, जितने भी उम्मीदवार उसमें क्रम क्या है। उसके बाद में आपको बताना है कि उम्मीदवार
परिवार का नाम क्या, जैसे कि राम है, कोई भी नाम है फलाना, क ख ग ग जो भी नाम होगा उसका, उसके बाद में मतों की संख्या, कितने मत उसको दिए गए। आगे है वोटिंग मशीन के अनुसार कुल डाले गए मतों की संख्या, यानी वोटिंग मशीन के द्वारा कितने वोट डाले गए उनकी संख्या आपको लिखनी है। उसके बाद में क्या, यहाँ पर आपको लिखना है क्या मत 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मत 2 के सामने यह मतदाताओं की कुल संख्या घटाकर मत 4 के सामने मतदाताओं की संख्या घटा करके 4 यानी कि 2-3-4 पाया गया, कोई अंतर हो तो, अंतर है तो आपको लिखना है, नहीं तो किसी प्रकार की बात यहाँ पर अपने को नहीं बतानी है। आगे है उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49P के अधीन निविदित मतपत्र जारी किए गए हैं, यानी कि टेंडर वोट जिनको जारी किए गए हैं उनकी यहाँ पर संख्या आपको देनी है। अब आगे आपको पूरा यहाँ पर ब्यौरा देना होगा कि जो निविदित मतपत्रों की संख्या है वो कितनी है टोटल, यहाँ पर आपको बताना। जैसे मान लो 5 है, मान लीजिए तो 5 है तो 5 अपन लिख दिया। अब उसके बाद में लिखना है कि प्रयोग में लिए गए मत, प्रयोग में लिए प्राप्त मत कितने थे और कहाँ से कहाँ तक थे और कुल मत कितने थे, यह आपको लिखना होगा इसके अंदर। इसी प्रकार निर्वाचकों को जारी किए गए, कितने जारी किए गए, कहाँ से कहाँ तक संख्या थी, उनकी कुल कितने थे। उसके बाद में है अप्रयुक्त एवं लौटाए गए, यानी कितने अप्रयुक्त रह गए इसमें से और कितने वापस लौटा दिए गए, ऐसे कितनी संख्या थी उनकी, तो ये हमें लिखना है। कुल यहाँ पर मत आपको बताना है। उसके बाद में जो इसमें आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है आपके पेपर सीलों का लेखा। दोस्तों पेपर सीलों का यहाँ मतलब जो है, पेपर सील से यहाँ अपने को सिर्फ ग्रीन पेपर सील ही लेना है, मतलब यहाँ पर तो उसी का यहाँ पर अपने को संधारण करना है। अब है नंबर 10 पर पेपर सील, यानी कि ये आपको यहाँ पर देखना है पेपर सीलों का लेखा। नंबर 1 पर आपका है प्रदाय की गई पेपर सीलें, यानी आपको कितनी प्राप्त हुई पेपर सील टोटल। जैसे कि मान लो आपको 4 प्राप्त हुई है तो उसके आपको क्रम लिखना है यहाँ से, जैसे क्रम यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्रम आपको बताना होगा इसमें, कहाँ से कहाँ तक का क्रम आपका है इसमें। उसके बाद में प्रयुक्त पेपर सीलें, अब उनमें से जो मिली है उनमें से प्रयुक्त आपने कौन सी पेपर सील कितने की हैं, पेपर सील कितनी प्राप्त की है, कुल उनमें से आपने प्रयुक्त कौन सी पेपर सील की है, कुल संख्या उनकी आपको बतानी। जैसे आपको 2 पेपर सील लिए हैं तो इसमें आपको क्रमांक यहाँ लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको यहाँ अप्रयुक्त पेपर सीलें जो रिटर्निंग अधिकारी को लौटाई हैं, तो जो हमने लौटा दी गई हैं वो आपको यहाँ पर बतानी है, उसकी कुल संख्या बतानी है। जैसे कि मान लो 1 है, 3 है, जो भी है आपको बताना। यहाँ पर आपको क्रम यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे लिखना होगा। उसके बाद में नष्ट हुई पेपर सीलें, जो पेपर सीलें हम नष्ट हो गई है किसी कारण से, वो यहाँ पर आपको बतानी है कुल उनकी कितनी संख्या थी, कहाँ से कहाँ तक उनका क्रम था। ये था आपका मतों का लेखा। अब आप यहाँ दिनांक लिखेंगे, स्थान लिखेंगे और यहाँ पर आप लास्ट में लिख देंगे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और मतदान केंद्र का क्रमांक, तो लगभग सभी जगह आना ही है। ये अपने को बिल्कुल अच्छी तरह से भर देना है। ये इस प्रकार से आपका पूरा हो जाता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। आने वाले चुनाव में आप सबको पुनः हम शुभकामनाएं देते हैं कि चुनाव आप अच्छी तरह से करवाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद।